वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शाहरुख खान का शहजादा इन दिनों ड्रग्स मामले के कारण सुर्खियों में चल रहा है। जनाब कश्ती पर कश लगाने जो गए थे, अब कई नेता इसमें खान का एंगल ढूंढ रहे हैं, तो कुछ इस पर मासूम सा बच्चा दिखाई दे रहा है। इसलिए एनसीबी पर कहीं भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों, तो बता दें कि इस बार एनसीबी ने नहीं बल्कि यूपी पुलिस ने तगड़ा काम कर दिया है और खान सरेआम अपना रोना पीटने वाले हैं। अब जरा ये खबर भी देख ले, नाम भी उसी समुदाय का है जिसका रोना पीटने के बाद कुछ दिनों से लग रखा है और ऐसे में मामला इस ड्रग से जुड़ा है। फर्क इतना है कि सूबे में सरकार अलग है और प्रशासन के तेवर भी। दरअसल नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान में यूपी की शाजापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि थाना तिलहर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,80,00,000 की कीमत के चरस को बरामद किया है। पुलिस ने इसके तस्कर हमीद अंसारी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर पुलिस ने प्रेस नोट किया और इसके दौरान आपको बता दें कि इसके मुताबिक गिरफ्तारी 15 अक्टूबर 2021 को सुबह के समय की गई। जिले में मादक पदार्थों को रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान में तिलहर पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए हमीद को 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हमीद के पास से बरामद हुई चरस फाइन क्वालिटी की बताई जा रही है। और आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। इसके आधार पे अभियुक्त हमीद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है जो थाना तिलहर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके कब्जे से 900 ग्राम चरस बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,80,00,000 रुपए है। ये पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि ये चरस जो है वो नेपाल से तस्करी कर यहाँ लाई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी हमीद अंसारी ने बताया कि चरस की तस्करी नेपाल से की जाती है। उसने खुद यूपी के पीलीभीत स्थित बिसलपुर से चरस खरीदने की बात स्वीकारी। वहीं गिरफ्तारी के समय भी वो चरस खरीद कर ला ही रहा था और हमीद ने बताया कि वो अपनी परचून की दुकान की आड़ में चरस की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर महंगे दामों पर बेचता था और लाखों करोड़ों रुपए कमाता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं और कौन कौन इनका साथ देता है और कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े गिरोह इस ड्रग्स की तस्करी के अंदर शामिल है। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK News, राष्ट्र के नाम।